फ्रेंड आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे बाथरूम है। इंडियन बाथरूम लगा हुआ है, बेसिन वगैरह सब है। इंडियन बाथरूम आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इंडियन बाथरूम है। तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा ना 175। जी हाँ, 175। और यहाँ अगर आप सिंगल बेड लेना चाहते हैं सेपरेट रूम, तो इसके लिए आपको 300 रुपया पे करना होगा। रूम देखिए, साथ ही साथ मैं रूम दिखा दूँ, रूम कैसा है ये देखिए। एक टेबल लगा हुआ है, फैन है, लाइट है, दो चेयर है और डबल बेड यहाँ लगा हुआ है। इसका आपको चार्ज देना होगा सिर्फ और सिर्फ 450 रुपया। अगर आप बालकोनी का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप खोल कर आप मतलब बालकोनी का बाहर अपना टहल भी सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई चैनल में फिर से स्वागत है। खैर मकदम है एक और खास और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। जी हाँ, जैसा कि आपने इससे पहले का आपने ब्लॉग देखा ना, वो तो एक समझिए कि आश्रय स्थल था, जहाँ मैंने बताया था कि वहाँ सामान की बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। बट अब जो ब्लॉग मैंने बना रहा हूँ ना, ये फैमिली के लिए भी, चाहे वो गरीब हो या मीडियम हो या हाई फैमिली हो, जैसी भी हो या स्टूडेंट हो, सबके बजट का ना आपके लिए भाई खोजा है। लखनऊ में कहाँ पे, तो जस्ट चारबाग रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही पसंद भी आएगा। देखिए जस्ट ना मैं क्या दिखला रहा हूँ, देखिए ये कुछ इस तरीके का ना, ये यात्री निवास। जी हाँ, आप देख रहे हैं ना, यात्री निवास यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, यात्री निवास, और उर्दू में कहें तो मुसाफिर खाना। और यह जो देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा मुसाफिर खाना है। और मैं आपको ना अंदर से चलकर सब कुछ दिखाऊंगा और मैं इसका चार्ज पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ ना आप 175 रुपया में 24 घंटा आप रुक सकते हैं। जी हाँ, यहाँ ये फ्री वाला नहीं है, यहाँ कॉस्ट लग रहा है, मगर बहुत सारी सुविधाएँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएँ हैं। सिर्फ 175 रुपया में 24 घंटा आपको यहाँ स्टे कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 दिन भी स्टे कर सकते हैं 175 रुपये के हिसाब से। और इसमें बहुत सारी सुविधा मिलेगी, जैसे कि साफ़ बाथरूम, उसके अलावा अगर पर्सनल बेड लेना चाहते हैं तो वो सब मिलेगा, पंखा, मोबाइल चार्जिंग वगैरह सब मिलेगा। और ये मुसाफिर खाना या यात्री निवास से आपको ना यहाँ मुस्लिम भी रह सकते हैं और हिंदू को, हिंदू हमारे हिंदू जो भाई है उनको भी मिल सकता है इजीली, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आप जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो तो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और आपको पूरा अच्छे से हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। पहले ना हम आपको दिखलाएंगे डोमेट्री बेड 175 वाला। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे ना, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगेंगे भैया लोग, तो आपको यहाँ देना है, अपना वेरीफाई करवा लेना है। और उसके बाद जो भी इस तरीके का रूम अगर मिलता है तो चाबी मिलेगा। डोमेट्री बेड लेना होगा तो जस्ट इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। हम लोग चलेंगे अंदर, पहले चलिए हम लोग चलते हैं ना, आपको डोमेट्री बेड दिखाते हैं कि यहाँ का डोमेट्री बेड कैसा है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं ना, ये लखनऊ में आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा। और ये थोड़ा सा स्टेशन से ना थोड़ा सा आप चलते हैं प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन से बाहर, तो लगभग 10-15 कदम दायां साइड होकर, राइट साइड होकर एक रोड आएगा। मैं एड्रेस वगैरह बता दूंगा, रोड आएगा, वहाँ से आपको ईजिली ये मुसाफिर खाना यात्री निवास मिल जाएगा। अप्रोक्स 5 मिनट लगेगा चारबाग रेलवे स्टेशन से, लखनऊ जंक्शन से यहाँ आने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं ना अपने जो हमारा डोमेट्री बेड है 175 वाला, उसमें आ चुके हैं। और देखिए यहाँ ना कुछ इस तरीके का हमें बेड देखने को मिल रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ देख ही रहे हैं कुछ सारे लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं और कंटिन्यू यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं काफ़ी पंखा चल रहा है। बेड की बात की जाए तो बेड काफ़ी स्पंशियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ है, तकिया वगैरह सब लगा हुआ है। और यहाँ ना अपना सामान रखने के लिए आपको एक ताला लाना होगा, और ऐसे पहले से भी ताला दिख रहा है, ऐसे आपको अपना ताला लेकर चलना है कहीं भी। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ ताला पहले से दिया हुआ है, तो इस तरीके से सामान का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और बेड वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है, स्पंशियल बेड है। और चलिए मैं बाथरूम को दिखा देता हूँ। बाथरूम आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर बाथरूम है। इंडियन बाथरूम लगा हुआ है, बेसिन वगैरह सब है। इंडियन बाथरूम आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इंडियन बाथरूम है। तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा ना सिर्फ 175। जी हाँ, 175। और यहाँ अगर आप सिंगल बेड लेना चाहते हैं सेपरेट रूम, तो इसके लिए आपको 300 रुपया पे करना होगा। और अगर फैमिली में हैं, दो बंदे हैं, तो इसके लिए आपको 450 रुपया पे करना होगा। तो मुझे, मैं आपको चलता हूँ रूम दिखाता हूँ। सिंगल बेड तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा कि मुझे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। सिंगल बेड ही होगा। मुझे डबल बेड का चाबी मिला है, 13 नंबर। देखते हैं किधर है, इधर है, आगे है। तो चलिए मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ 13 नंबर। और ये 450 रुपये का होगा। हमारे गैर कौम भाई, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी को ये मिल जाएगा। 14 है, 13 इधर है। चलिए मैं आपको अच्छे से इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड फाइनली ना हमने अपना रूम खोल लिया है, और ये देखिए जैसे ही हम घुसते हैं ना तो हमें यहाँ पर बाथरूम दिखता है, देखता हूँ जी लाइट चालू है लाइट। तो जैसे ही हम लोग घुसते हैं ना, देखिए इतना बड़ा आपको बाथरूम मिलता है, वेस्टर्न बाथरूम लगा हुआ है, बेसिन है, आईना है, और यहाँ नहाने के लिए बाल्टी वगैरह सब है, टाइल्स पैनल्स लगा हुआ है। तो इस और रूम देखिए, साथ ही साथ मैं रूम दिखा दूँ, रूम कैसा है ये देखिए, एक टेबल लगा हुआ है, फैन है, लाइट है, दो चेयर है, और डबल बेड यहाँ लगा हुआ है। इसका आपको चार्ज देना होगा सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये। अगर आप बालकोनी का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप खोल कर आप मतलब बालकोनी का बाहर अपना टहल भी सकते हैं। तो ये देखिए, अब बेड की बात करूँ ना, बहुत ही स्पंशियल बेड है और नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ है। तो मैंने बताया आपको प्राइस 175 में डोमेट्री, दो दिन तीन दिन जितना रहिए, एक दिन का 24 घंटा का, 12 बजे चेक इन है, और ऐसे 12 से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन चेकआउट टाइम नेक्स्ट डे 24 घंटा के बाद 12 बजे दोपहर का रखा गया है। 300 रुपया में सिंगल बेड मिलेगा, ऐसा एक बेड मिलेगा सेपरेट रूम में ही 300 रुपया, और 450 रुपये में ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा अटैच बाथरूम, जी हाँ मैंने तो बताना भूल ही गया, अटैच बाथरूम सिर्फ 450 रुपया में। एड्रेस बिल्कुल ही लखनऊ रेलवे स्टेशन से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बस आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिएगा और राइट होइएगा, याद रखिएगा राइट होइएगा, वहाँ से एक रोड आती है बड़ी सी रोड, या किसी से पूछ लीजिएगा, पूछिए कहिएगा यात्री निवास या मुस्लिम मुसाफिर खाना, किसी से भी पूछिएगा ना, वहाँ पे 2 मिनट, दो से मैं 5 मिनट कह रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट में आप इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया यहाँ की जानकारी, यहाँ का प्राइस, साफ़ सफाई, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान से आपको सस्ते होटल्स का और अच्छे कम बजट में बढ़िया होटल की जानकारी लेना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब तो आपका भाई फुल टाइम यूट्यूबर बन चुका है, पहले मैं टीचिंग करता था, वीक में एक दिन काम करता था सिर्फ संडे को, बट अब मैं 7 दिन काम करूँगा, तो 7 दिन 3 से 4 वीडियो पढ़े मिलेंगे। तो ये जानकारी थी, आई होप कि आप हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, सब्सक्राइब करके नहीं बने हैं तो बन जाइए। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास और अच्छा ब्लॉग लेकर, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।